नमस्कार, पत्रिका डॉट कॉम में आपका स्वागत है। पत्रिका के डॉट कॉम ऑफिस में हम बजट पर चर्चा कर रहे हैं, बजट 2017। इसके पहले हम लोग सराफा, रियल एस्टेट और टैक्स लैब पर हम चर्चा कर चुके हैं। आज जो हमारी एक्सपर्ट टीम बैठी है वो है ऑटोमोबाइल सेक्टर से। ऑटोमोबाइल मोबाइल सेक्टर में क्या क्या परिवर्तन हुए, क्या चेंजेस हुए हैं, क्या बजट से उम्मीदें हैं, उस पर हम लोग यहाँ बात करेंगे। आपको हम बताना चाहेंगे, खंडवा का जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है वो लगभग सालाना 200 करोड़ का है। इसमें टू व्हीलर, थ्री व्हीलर और फोर व्हीलर है। हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं अत्रे जी से, वो बताएंगे कि उन्हें क्या उम्मीद है नए बजट से। नमस्कार सर, मैं निमार मोटर्स मारुति डीलर से हूँ। और ये मान के चलिए कि सर, जो मेरा ग्राफ जो बढ़ना चाहिए वो ग्राफ में थोड़ा सा माइनस वर्किंग आएगा इस बजट को लेकर। ओके, कस्टमर थोड़ा ट्रांसफर होगा सर इस चीज़ को लेकर, क्योंकि ऑलरेडी गवर्नमेंट ने एक्स्ट्रा लोड बढ़ा दिया, उसके बाद अगर बजट में किसी प्रकार का चेंजेस आता है तो डेफिनेटली इस पर इफेक्ट पड़ेगा सर। चलिए हम चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं विजय बिनवानी जी से कि वो क्या समझते हैं बजट को। बजट के अंदर जो बनाया है अभी, इसमें अगर उसमें टैक्सेस कम करेंगे तो हमारा ग्रोथ बढ़ेगा, अगर टैक्सेस कम नहीं करेंगे तो हमारा ग्रोथ कम हो जाएगा। अभी जो गाड़ी नोटबंदी के कारण थोड़ा सा व्यापार में जो फर्क पड़ा है, उसके कारण अगर टैक्स कम करेंगे तो और व्यापार भी बढ़ सकता है। बाकी एक अहम बात है, चर्चा में हम आगे बात करेंगे भूपेन जी से, वो बताएंगे कि वो बजट से क्या उम्मीद रखते हैं, क्या वर्तमान स्थिति चल रही है ऑटोमोबाइल सेक्टर में। बजट में जो है, मेरा मानना है कि अभी तक के जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पे जो लोड दिया गया है, टैक्सेस का और अदर बहुत सारे चार्जेस ऐसे हैं जिसमें देखा जाए कि डीजल और पेट्रोल पर भी जो टैक्सेस हैं वो बहुत अधिक हैं। अगर ये जो इंडस्ट्री से गवर्नमेंट जो है रेवेन्यू जनरेट प्राप्त कर रही है, उसके कंपेयर में जो दिए जाने वाले सुविधाएँ हैं इस इंडस्ट्री को, वो बहुत कम है। तो मेरा कहना है कि टैक्सेस तो अपनी जगह है, गवर्नमेंट की ज़रूरत है, लेकिन इस इंडस्ट्री को बहुत सुविधाएं की ज़रूरत है जिससे कि इस इंडस्ट्री को एक नया बूस्ट मिल सके और ये आगे बढ़ने में उसको हेल्प करेगा। हम अगर इंफ्रास्ट्रक्चर और इन सब चीज़ों पर हम एक अच्छी मतलब सुविधाएं अगर हम अपने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को, ऑटोमोबाइल के यूज़र को हम देंगे, तो वो डेफिनेटली मतलब इसका एक अच्छा और भी ज़्यादा रेवेन्यू उससे गवर्नमेंट को मिल पाएगा। मतलब साफ है कि जो बजट में उम्मीद, जो योजना है, जो क्रियान्वयन होती है, तो वो क्रियान्वयन हो रही है या नहीं हो रही है, उस चीज पे भी ध्यान देना जरूरी है। इसी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं, पलाश जी से बात करते हैं, वो क्या मानते हैं, कैसे क्या सर्विस टैक्सेस कम होना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम पलाश सेठी है, सेठी होंडा खंडवा का मैं डायरेक्टर हूँ। होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की हमारे पास डीलरशिप है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री देश के जीडीपी को 7% कंट्रीब्यूट करती है और साथ में मैन्युफैक्चरिंग जीडीपी को लगभग 48% कंट्रीब्यूट करती है। ऑटोमोबाइल एक जमाने में लग्जरी कहा जाता था ऑटोमोबाइल की गाड़ियों को, आज की तारीख में ऑटोमोबाइल ज्यादा नेसेसिटी बन गया है। हर आदमी की जरूरत है, एक गाँव से दूसरे गाँव जाना, एक शहर से दूसरे शहर जाना और अन्य सभी चीज़ों में। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री और सियाम के आंकड़ों के मुताबिक लगभग ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री 32 मिलियन लोगों को रोजगार मुहैया कराती है, यानी कि लगभग 3 करोड़ 20 लाख लोगों को ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री रोजगार मुहैया कराती है और लगभग 26 मिलियन गाड़ियां रोज हर वर्ष नई गाड़ियां रोड पर उतरी है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पर टैक्सेशन की स्ट्रक्चर की बात करें या बजट 2017 जो कि कुछ ही दिनों में आपके और हमारे बीच आ जाएगा, तो इससे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को काफी उम्मीदें हैं और उम्मीदें बढ़ा दी नोटबंदी ने। डीमोनेटाइजेशन का असर नवंबर के बाद दिसंबर में देखा गया, वो लगभग 22% का डीग्रोथ था सभी सेक्टर में। ऑटोमोबाइल 22 का एवरेज डीग्रोथ था, ये पिछले 20 साल का सबसे बड़ा डीग्रोथ था 22% का। तो 22% का जो डीग्रो है और आने वाला क्वार्टर भी जिसमें सेल्स एवरेज दिख रहे हैं, इससे उभरने के लिए ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को सरकार से स्पेशल एड की जरूरत है। एड किस तरीके का रहेगा, उसमें सबसे पहला तरीका है कि जो टैक्स लगाए जाते हैं गाड़ियों पर, एक 100 रुपए की गाड़ी बाजार में आते आते तक टैक्स के कारण 180 रुपए 190 रुपए की हो जाती है, तो बाकी का 90 रुपए जो कि कस्टमर देता है ये सिर्फ टैक्स होता है। इसमें राज्य सरकार के टैक्स होते हैं, वेट टैक्स, एंट्री टैक्स, केंद्र सरकार के टैक्स होते हैं, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी CST और फिर RTO के शुल्क। तो ऐसे करते करते गाड़ी बहुत महंगी हो जाती है। इसमें टैक्स कैस्केडिंग इफेक्ट बोलते हैं, वो काम करता है, एक बार की चीज पे एक्साइज लग के वो महंगी हो जाती है, फिर वो लगे हुए साइज अमाउंट पे फिर अलग अलग
टैक्स लगाते हैं तो चीज और महंगी हो जाती है। चीज महंगी होती है तो लोग उसको कम खरीद पाते हैं। साथ में सरकार जो ब्याज की दर है इसको अगर और कम करे तो मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ेगी, पैसा ज्यादा आएगा। जितना ज्यादा पैसा आएगा और जितना ज्यादा लोन लेना आसान होगा, लोग उतनी ही ज्यादा गाड़ियां खरीदेंगे। मतलब साफ तौर पे ये है कि सेंट्रल और स्टेट का जो टैक्सेस है वो कम होना चाहिए ताकि इसका जो भार है आम जन पे है वो कम पड़े। इसी श्रृंखला में बात करेंगे देवेंद्र वर्मा जी से, वो बताएंगे कि क्या उनका कहना है। कुछ है, मेरा नाम देवेंद्र वर्मा है, मैं जो मोटोकार डीलरशिप ठक्कर अटल के जनरल मैनेजर हूँ। इस ऑटोमोबाइल में जितने भी प्रोडक्ट है वो भी अब हर उपभोक्ता की दैनिक यूज की चीजें हो गई है। गवर्नमेंट के बजट में एक एवरेज ये होना चाहिए ताकि अधिक से अधिक उपयोग करें। जब ज्यादा से ज्यादा लोग उसको लेंगे तो खुद ही गवर्नमेंट को टैक्स आएगा और एक वो रोटेट तरफ चलते रहेगा। जी बढ़िया, बहुत अच्छी चीज बताई आपने। इसी संदर्भ में हम बात करेंगे आगे माननीय शर्मा जी से, वो क्या मानते हैं कि फोर व्हीलर से क्या उम्मीद है उनको बजट में। मैं माननीय शर्मा ट्रैक्टर न्यू हॉलैंड ट्रैक्टर की डीलरशिप है मेरे पास, और ये जो गवर्नमेंट ने अभी रजिस्ट्रेशन शुल्क और ये चीज़ें बढ़ाई है और पुरानी गाड़ियों पे टैक्सेशन और ग्रीन टैक्स बढ़ा दिया है, इसके कारण आने वाले समय में जो एक्सचेंज होती थी उन पे टैक्सेस बढ़ जाएंगे तो वो यानी उनके रेट्स भूल जाएंगे। तो जो डीलर आज की डेट में रिस्क ले लेते या पार्टियां एक्सचेंज या पुरानी गाड़ियां खरीद लेती वो भी अब उनकी बहुत से दूर हो जाएंगी, और नई गाड़ियों में वैसे भी टैक्सेस बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। तो आने वाला समय में बजट में कभी सुविधाएं नहीं मिली तो मार्केट और क्रैश हो। जी बहुत बढ़िया, अच्छी जानकारी दी आपने। मतलब इस डिस्कस का मतलब ये निकल रहा है साफ साफ तौर पे कि कहीं ना कहीं नोटबंदी के बाद इस सेक्टर को उभार की जरूरत है, और वो उभार आएगा केंद्र बजट की जो योजना है जो सर्विस इनकम टैक्स इनमें कमी करके। आप शायद ये जानकर चौंकेंगे कि जो नए वाहनों पर टैक्स लगता है वो होता है 54%। इस 54% को हम लोग देखें तो 24 एक्साइज ड्यूटी होती है, CST होता है, 15% वेट होता है, 2% एंटी टैक्स होता है, 9% रजिस्ट्रेशन होता है, कुल मिला के 54%। मतलब ये बहुत बड़ा भार है आम जन पर। पत्रिका.com के लिए मेरा कहना है कि मतलब जो इसमें जो आप गवर्नमेंट से एक ही दरख्वास्त है कि अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को और अच्छा करें ताकि लोग गाड़ियों का उपयोग जो है वो अपने मेंटेनेंस वगैरह की कॉस्ट को कम करते हुए या डीजल का एवरेज को उसको ज़्यादा मिलेगा उसकी उससे कॉस्ट कम होगी तो डेफिनेटली उसके लिए कस्टमर जो है ज़्यादा से ज़्यादा उसको अग्रसर होंगे। बैंक का इंटरेस्ट रेट भी जो है वो भी मायने रखता है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हम जो इस ये इंडस्ट्री जितना गवर्नमेंट को पे कर रही है उसके कंपेयर में गवर्नमेंट इसमें जो हमें रिटर्न दे रही है वो इस इंडस्ट्री को सपोर्ट जो है वो बहुत कम मिल रहा है। जी तो ये इसमें हमें कहना है कि गवर्नमेंट का सपोर्ट इस इंडस्ट्री को बढ़ना चाहिए और अच्छे तरीके से मिलना चाहिए। जी प्रला जी कुछ कह रहे हैं आप। परिवहन सुरक्षा रोड सेफ्टी आज की तारीख में काफ़ी ज़रूरतमंद है, बहुत इम्पोर्टेंट है। लाइसेंस बनाने का पहले शुल्क लगभग 700 रुपये हुआ करता था, वो बढ़ा करके राज्य सरकार ने 2000 कर दिया प्रति व्यक्ति। साथ में रिन्यूअल लाइसेंस का रिन्यूअल भी काफ़ी महंगा हुआ। एक तरफ तो कहा जाता है कि सभी के पास लाइसेंस होना अनिवार्य है और दूसरी तरफ उसके शुल्क में इतनी बढ़ोतरी इस बात को गलत ठहराती है। इसमें एक चीज भूपेन जी ने जो कही है इस चीज को मैं नोट डाउन करूंगा कि पहले ये होता था कि शहरी लोग फोर व्हीलर या टू व्हीलर लेते थे, लेकिन सर ने ये कहा है कि स्पेशल अगर ये रूरल एरियाओं में भी कारें बिक रही है तो सीधा सीधा ये है कि मार्केट में ऊपर सरकार के पास जब भी पैसा आएगा ये मेंटलिटी हटा दें कि सिर्फ फोर व्हीलर शहर में जाती है। ये ग्रामीण में भी आज की तारीख में आप किसान के पास पैसा आ रहा है, लेकिन ये कि टैक्सेबल का लोड कम रहेगा तो जिससे ज़्यादा हमारा मार्केट बढ़ेगा और सरकार को जो है इसमें मान के चले कि ज़्यादा ज़्यादा बेनिफिट होगा। यानी किसान वर्ग से लेकर शहरी माध्यम से लेकर आज की तारीख में सभी चाहते हैं कि हम अच्छे से अच्छा रहन सहन करें। थैंक यू। चलिए बजट 2017 मात्र 3 दिन बचे हैं, सारी उम्मीदें सारी जो चीज़ें लगी है बजट से वो स्पष्ट हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। कैमरा पर्सन रियाज सागर के साथ पत्रिका.com के लिए संजय दुबे खंडवा।